चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से सभी बच्चों का अपने ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। कल किसी कारणवश बच्चे क्लास नहीं चल पाई, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो जल्दी से ही जल्दी बच्चे आपकी रेगुलर क्लास हो जाएगी और आज से रेगुलर क्लासेज रहेंगे बेटा। और नाइट में आपको करेंट्स की क्लास मिल जाएगी, इवनिंग में जो ज्योग्राफी की क्लास मिल रही थी वो ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी बेटा, और पॉलिटी जो चल रही थी चले बच्चे। अब क्या होगा कि पॉलिटी को सिर्फ 4 डेज करेंगे और लास्ट में जो बच्चे फ्राइडे सैटरडे होता है और संडे होता है इसमें सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे बेटा, ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है बच्चे, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक आपका स्पीड मेंटेन नहीं होगा, ठीक है? तो चलो बच्चे हम लोग आज करते हैं। मैंने बच्चे प्रधानमंत्री तक आपका करवा दिया है, ठीक है? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया है और प्रधानमंत्री तक हो गया। बीच में बच्चे मैंने कुछ बच्चों से कहा था कि अभी 2 टॉपिक हमारा छूटा हुआ है, एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र छूटा हुआ था और एक अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संबंध छूटा हुआ था। तो आज बच्चे सबसे पहले उस वीडियो को, क्योंकि सारे बच्चे, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था सर ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक क्या है, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं बच्चे, ठीक है? 1-2 वीडियो जो भी बनेगी इस पर तो उसको मैं क्लियर कर दूं ताकि ये आपका पैटर्न क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए बच्चे, ठीक है? तो आज का जो नया टॉपिक होगा सर, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र होगा, ठीक है? ये मेंटेन कर लीजिएगा, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र बेटा, ठीक है? उसके बाद बेटा प्राइम मिनिस्टर के आगे, ये जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि कई चीज़ें बच्चे बात करनी पड़ेंगे आगे, तो इसको मेंटेन कर लिया जाए। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है? नोट करो बच्चे, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है बेटा? यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र। अगर पूछा जाए कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जिक्र कहाँ किया गया है, तो आप बोलोगे भाग 1 में किया गया है, ठीक है बेटा? भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे सर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। यानी कि अगर हम पार्ट की बात करें तो पार्ट 1 में है, और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक है, याद रहेगा? मैंने बच्चे ध्यान से सुनना इधर, मैंने आपका पार्ट 2 भी करवा दिया है, नागरिकता करवा दिया था 5 से लेकर 11 तक, विद आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और मैंने नागरिकता सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है बच्चे। फिर हम लोगों ने पार्ट 3 की बात किया था, और पार्ट 3 में 12 से लेकर 35 तक, ये भी मैंने एक एक बच्चे आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया है, जिसे आप फंडामेंटल राइट्स कहते हो। फिर बच्चे पार्ट 4 भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, DPSP भी पढ़ लिया था बच्चे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य का नीति निदेशक तत्व भी हमने संपूर्ण तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हो गया है बच्चे, इसी में हमने 4 का भी पढ़ लिया है, आर्टिकल 51 का भी पढ़ लिया, यानी फंडामेंटल राइट्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और बच्चे उसके बाद हम लोगों ने भाग 5 भी कर लिया, राष्ट्रपति भी कर लिया है और उपराष्ट्रपति भी कर लिया है और मंत्रिपरिषद भी कर लिया और प्रधानमंत्री भी कर लिया है बच्चे, ठीक है? अब हमें लोकसभा राज्यसभा के बारे में जानकारी लेनी है वहां पर, लेकिन उससे पहले ये वाला भाग भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि इसकी नीड है बच्चे, अब आगे जरूरत पड़ेगी, है ना? तो आप लोगों ने डाल लिया होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बेटा भाग 1 में है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है, और आप पढ़ते आए हो कि भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है बच्चे, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ है, ये आप टॉपिक पढ़ते हुए चले आए हो, ठीक है? तो यहां पर अगर देखा जाए बच्चे कि जो अनुच्छेद 1 होता है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो अनुच्छेद 1 होता है बच्चे, इसे 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, डिवाइडेड
डिवाइड किया गया है कितने पार्ट्स में बेटा, थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। यानी अगर हम बात करें कि अनुच्छेद जो फर्स्ट है बेटा, और अगर हम बात करें कि जो आर्टिकल फर्स्ट है, अगर इसके हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, आर्टिकल फर्स्ट है इसके हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, तो यहां पर लिखा गया भारत राज्यों का संघ होगा। ध्यान से सुनना बच्चे, भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है। यहां पर आर्टिकल फर्स्ट में कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा बच्चे। और हमने कहा आर्टिकल जो तीन है बच्चे, इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया गया है। और अनुच्छेद बच्चे फर्स्ट का जो फर्स्ट पॉइंट कहता है, ये कहता है कि भारत राज्यों का एक क्या होगा, संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत बच्चे, क्लियर हो जाएगा। इंडिया दैट इज भारत बेटा सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। नोट करिएगा जल्दी, भारत राज्यों का एक संघ होगा बच्चे, यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट कर लीजिएगा बच्चे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर दो नाम का जिक्र किया गया है, एक इंडिया का जिक्र किया गया है और एक भारत का जिक्र किया गया है। अब अगर हम बच्चे बात करें कि आधुनिक नाम अगर पूछा जाए कि मॉडर्न नेम क्या एक्सेप्ट किया गया, तो आप बोलोगे सर मॉडर्न नेम जो था वो संविधान में इंडिया को माना गया, और जो परंपरागत नाम था बच्चे, यानी ये हमारा परंपरागत नाम था बच्चे, परंपरागत वाला, क्लियर हो जाएगा। कहते नहीं बच्चे भारतवर्ष, राजा भरत आर्य से संबंधित थे बेटा, ठीक है। और हमने बताया था बच्चे कि आर्य से बने हुए थे राजा भरत, और राजा भरत के नाम से ही कुछ लोग कहते हैं सर कि हमारे ग्रंथों में इसका नाम भारत पड़ गया, भारतवर्ष के नाम से मशहूर हुआ। और बच्चे जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता को ही बच्चे क्या कहा जाता है, इंडस वैली, और इंडस वैली से बच्चे सिंधु से हिंद निकला, और हिंद से बच्चे इंडिया निकल आया, ये आप याद रखना। तो मॉडर्न नेम जुड़ता है बच्चे, आधुनिक नाम इंडिया, और इंडिया दैट इज भारत बेटा, यानी जो इंडिया है वही भारत है, और जो भारत है वही इंडिया है। अभी कुछ लोगों ने सर इंडिया शब्द को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट वगैरह में रिट दायर किया था, और संविधान में संशोधन बच्चे कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए। जब ये मैटर अभी रिसेंट में बेटा सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा कहा, जिसने भी पिटीशन दायर किया था उनसे कहा, यार तुम बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो, जब भाग बच्चे एक यानी आर्टिकल वन में लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि भारत राज्यों का क्या है, संघ होगा, यानी कि इंडिया दैट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट, तो जब इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, तो फिर यहां पर बच्चे किसी भी चीज को हटाने की जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर भारत सरकार चाहे तो एक साधारण बिल लाकर पार्लियामेंट में इसे चेंज कर सकती है बच्चे, लेकिन कोई जरूरत यहां पर नहीं है। आजकल आप देख रहे हो सर, कुछ लोग तो सिर्फ नाम बदलने में ही परेशान है कि इसका नाम ये कर दो, इसका नाम ये कर दो, इसका नाम बच्चे बस नहीं चल रहा है, तो फिर नहीं तो अपने गाय भैंस के नाम लोगों का नामकरण कर दे, है ना, तो ये चलता है। तो यहां पर जो इंडिया है वही भारत है, और जो भारत है भाई वही इंडिया। बस आपको ये याद रखना है बच्चे कि भारत जो है, याद करना, भारत की जो व्यवस्था है बेटा, अगर हम भारत की व्यवस्था की बात करें तो संघात्मक व्यवस्था है। क्या है बच्चे? फेडरल सिस्टम है। कौन सी व्यवस्था है बेटा? संघात्मक व्यवस्था है। लेकिन यहां पर यूनियन ऑफ स्टेट लिखा गया है, और संविधान में सिर्फ दो नामों का उल्लेख है, आप याद रखना बच्चे, अब भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। तो यहां मैं लिख देता हूं बच्चे, सिर्फ दो नामों का उल्लेख है, लिखा जाता है भारत अर्थात इंडिया बच्चे, भारत अर्थात इंडिया। अब भारत अर्थात इंडिया लिख गया, और आपको पता है ये भारत अर्थात इंडिया बेटा यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का क्या है, संघ है। कौन भाई? भारत। और भारत को ही हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया कहते हैं। क्लियर हुआ सारे बच्चे? बताओ समझ में आया फर्स्ट पॉइंट? यानी अनुच्छेद
एक का जो पहला पॉइंट है वो यही कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया दैट इज भारत। भारत जो है ये परंपरागत नाम था, इंडिया आधुनिक नाम है। संघात्मक व्यवस्था भारत की है, रूप बच्चे अमेरिका की भी है। अभी मैं बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा दोनों में। इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब ये जो बच्चे भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, अभी कोई आर्टिकल नहीं डालिएगा, ये जो हमने संघात्मक शब्द का इस्तेमाल किया, फेडरल सिस्टम का इस्तेमाल किया बच्चे, अगर हम बात करें कि भारत देश में संघात्मक व्यवस्था कहां से आया, तो जब संघात्मक की बात करेंगे तो आपको पता है सर, संघ मजबूत है भारत में, राज्य कमजोर है। तो ये संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से लिया बेटा। कहां से लिया? कनाडा से लिया। क्लियर हो जाएगा? लेकिन बच्चे अगर संघात्मक में हम भारत की बात करें, संघात्मक की अगर हम भारत में बात करें, तो बच्चे केंद्र मजबूत है। केंद्र क्या है? मजबूत है। और राज्य कमजोर है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहां पर हम अमेरिका की बात करें, तो यहां पर उल्टा है बच्चे, राज्य मजबूत है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में कौन मजबूत है? राज्य को बच्चे पावर ज्यादा दी गई है, किसकी अपेक्षा? केंद्र की अपेक्षा। लेकिन भारत में बेटा राज्य की अपेक्षा पावर केंद्र को ज्यादा दी गई है। ये पॉइंट नोट करो सारे बच्चे, जल्दी से नोट करो, ठीक है बच्चे। तो संघात्मक ढांचा भारत में कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया, ये पॉइंट याद रखोगे। और भारत में केंद्र मजबूत है, राज्य कमजोर है। और अमेरिका में बेटा राज्य मजबूत है, केंद्र से उसको पावर ज्यादा दी गई है। ठीक है, ये तो बच्चे अनुच्छेद आपका पहला का पहला पॉइंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बस आपको इतना याद रखना है, भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट याद रखिएगा बच्चे। बस बच्चे यही दो नाम का हमारे संविधान के बच्चे भाग वन के आर्टिकल वन में एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब आर्टिकल दो का बच्चे सेकंड पार्ट बात करते हैं, क्योंकि हमने इसे तीन भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? तीन भागों में डिवाइड किया गया है बच्चे, ठीक है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो आर्टिकल हम लोग फर्स्ट का सेकंड देखेंगे बच्चे, और फर्स्ट के सेकंड में जो बात की गई है बच्चे, यहां पर लिखा गया स्टेट एंड यूटीज बेटा, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी यानी राज्य की बात हमने यहां पर किया है बच्चे, और राज्य के साथ साथ संघ शासित राज्य की हमने बात किया है। राज्य की बात किया है बच्चे, और हमने एक संघ शासित राज्य की बात किया है। और आप इस समय जान रहे हो बच्चे कि भारत देश में राज्यों की संख्या अब 28 हो गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। और अगर बात हम यहां करें तो दादरा व नागर हवेली बच्चे और मन हुआ दीव को एक कर दिया गया, 25 जनवरी 2020 को सब करा देंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा बेटा, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम संघ शासित राज्यों की बात करें, तो यहां पर इनकी संख्या कितनी पहुंच गई है? 8 पहुंच गई है बच्चे, ठीक है। इसके बाद बेटा ध्यान से देखना, अब हम अनुच्छेद एक के ही थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। एक के थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर कई सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जिसमें जो हमारा पॉइंट्स इसमें जो कहता है बच्चे, एक का जो थर्ड कहता है, ये भारत के क्षेत्र की बात करता है। भारत के किसके बेटा? क्षेत्र की बात करता है बच्चे। भारत का जितना भी क्षेत्र होगा, यानी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है बच्चे आर्टिकल, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। ये एक बात आप याद रखोगे बच्चे, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करता है। क्लियर हो जाएगा? अब अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें बच्चे, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पर देखो बच्चे, अगर हम इसी में, ठीक है, इसी में अगर हम पॉइंट्स की बात करें बच्चे, तो इसी थर्ड में, यानी कि वन के थर्ड का जो ए पॉइंट होगा बेटा, वन के थर्ड का जो ए पॉइंट होगा, इसमें कहा गया है राज्यों का क्षेत्र बेटा। यहां पर कहा गया है राज्यों का क्षेत्र, और आपको पता है ना सर कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना क्षेत्र होता है। महाराष्ट्र का अपना क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का अपना क्षेत्र है बेटा, ठीक है, और अपने दिल्ली का है, एमपी का है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे टेरिटरी आप स्टेट की बात करें,
टेरिटरी ऑफ स्टेट की बात करें, ठीक है। दूसरा इसका बी पॉइंट जो होगा, अब राज्य का क्षेत्र हो गया तो बच्चे आपको पता है संघ शासित राज्यों का भी तो क्षेत्र होगा, संघ शासित राज्य का क्षेत्र बच्चे यानी टेरिटरी ऑफ यूटीज की बात किया गया है, टेरिटरी ऑफ यूटीज की बात किया गया है बच्चे, ठीक है। अगर हम यहां पर सी पॉइंट्स की बात करें बेटा तो यहां पर कहा गया एक्वायर्ड टेरिटरीज की बात किया गया है, यानी कि बच्चे अर्जित, मैं बताऊंगा बच्चे परेशान मत होइएगा आप लोग, अगर हम पूछे कि यहां पर अर्जित क्षेत्र की बात किया, एक्वायर्ड किया गया बच्चे, अर्जित क्षेत्र की बात किया गया है, एक्वायर्ड टेरिटरी की बात किया गया है बच्चे, ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे। जैसे मैं आपको बताऊंगा बच्चे कि गोवा को हमने कैसे अर्जित किया, दमन व दीव को हमने कैसे अर्जित किया है बच्चे, दादरा व नागर हवेली को हमने कैसे अर्जित किया है बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, नोट करिए सारे बच्चे। ठीक है बच्चे, अब अगर यहां पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो बच्चे, पुंडुचेरी, लक्षद्वीप, ठीक है, ये सब हमारे एक्वायर्ड क्षेत्र में आएंगे, अर्जित क्षेत्र में आएंगे बेटा, ठीक है, नोट कर लो। नोट डालिएगा बच्चे, सारे बच्चे नोट डालेंगे और लिखेंगे अर्जित क्षेत्र। और अर्जित क्षेत्रों पर भारत का अधिकार है। अर्जित क्षेत्रों पर भारत का अधिकार है और तीन प्रकार से अर्जन किया जा सकता है, आपको पता है, या तो बच्चे युद्ध लड़कर हम उसे जीत लें, या तो हम संधि कर लें बच्चे, या तो हम क्या कर लें, संधि कर लें, या तो बच्चे युद्ध लड़कर उस क्षेत्र को हम लोग जीत लें बेटा, या फिर उस क्षेत्र पर हम लोग क्या कर लें बच्चे, कब्जा कर लें। तो इन तीनों को हम बच्चे कौन से प्रकार का कहते हैं, अर्जित कहते हैं बच्चे, ठीक है। कब्जा जैसे पहले बच्चे होता था कि लोग क्या करते थे, युद्ध ताकतवर लोग होते थे बच्चे, इधर उधर कब्जा कर लिए, बाद में समझौते में इतना इतना इधर उधर हो जाता था, ठीक है। तो ये तीन प्रकार से अर्जन होता है बेटा, एक युद्ध होता है, एक संधि होता है और एक कब्जा होता है बच्चे, ठीक है। ठीक है बच्चे, इसी नोट में आप लोग और आगे बढ़ेंगे बच्चे, और इसी नोट में हम लोग लिखेंगे पहला बाई विक्ट्री, यानी हमने वो क्षेत्र बच्चे जो युद्ध से जीता है, बाय विक्ट्री की बात करें बच्चे, जिसे यानी कि पड़ोसी को हमने हरा कर जीता बच्चे, बाय विक्ट्री यानी कि हरा कर जीता हमने। अब ये हरा कर कौन कौन सा जीता गया है बच्चे, तो ये आप याद रखो, यहां पर आपका तीन राज्य आता है, आप लोगों ने सुना होगा दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, और आप लोगों ने बच्चे गोवा का नाम सुना होगा, गोवा की राजधानी सारे बच्चे बताएंगे और दमन व दीव की भी राजधानी बताएंगे बच्चे, जल्दी बताइएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हम एक एक को डिस्कस करेंगे बच्चे। हमने कहा कि हमने हरा कर दूसरे से जीता है बच्चे, तो दूसरे से जीता है जिसमें सबसे बड़ा नाम होता है बच्चे गोवा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। अगर हम पूछे बच्चे कि गोवा बच्चे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत देश का सबसे छोटा राज्य जो होता है वो गोवा होता है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा होता है, ये क्वेश्चन आप बताइए, भारत देश में क्षेत्रफल में सबसे छोटा
तो गोवा हो गया बेटा सबसे बड़ा, आप बताएंगे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य होता है उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में होता है सिक्किम, क्या होता है बेटा सिक्किम होता है, ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य होगा गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है पणजी, और गोवा में ही बच्चे समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र, समुद्री विज्ञान, यहां पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने डाल दिया बच्चे, समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र भारत के कौन से राज्य में है, तो आप बोलोगे सर पणजी में है, गोवा में है। अभी बच्चे यहां पर एक हमने खंभात की खाड़ी में, ये करंट पॉइंट है सुनना बेटा, अभी हमने कुछ साल बच्चे कुछ महीने पहले खंभात की खाड़ी में एक म्यूजियम बनाने की घोषणा की है गोवा के तट पर, और यह समझौता हमने पुर्तगाली सरकार से किया है, किससे बेटा पुर्तगाली सरकार से किया है, यह पॉइंट आप याद रखोगे। अगर हम गोवा की बात करें सर, तो गोवा पर अधिपक्त किया, यहां पर अधिपक्त किसका था बेटा पुर्तगाली का था, अधिपक्त किसका था पुर्तगाली का था, और पुर्तगालियों ने बच्चे गोवा पर, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया बच्चे 1510 ईस्वी में, कब कर लिया बच्चे 1510 ईस्वी में कर लिया, और आपको पता होना चाहिए कि उस समय जो वायसराय था बेटा पुर्तगालियों का, जो वायसराय था पुर्तगाली का, जो वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी ने बच्चे गोवा पर अधिकार कर लिया कौन से सन में 1510 में, और उस समय सर गोवा पर अधिकार था बीजापुर सुल्तान, अधिकार था बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का, बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का था बच्चे, ये पॉइंट आप लोग याद रखो, आदिल शाह का था बच्चे, ठीक है, बीजापुर सुल्तान आदिल शाह का शासन चल रहा था कहां गोवा में, क्लियर बेटा, और उसी समय सर अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था बच्चे इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक था बच्चे, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहा, और 1510 में ही बीजापुर सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीत लिया बेटा, और 1510 पर गोवा पर अधिपक्त हो गया किसका पुर्तगालियों का अधिपक्त हो गया बच्चे, और ये अधिपक्त चलता रहेगा 1961 तक, यानी सबसे अंत में स्वतंत्र होने वाला राज्य भी गोवा ही होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट आप याद रखो। तो पुर्तगालियों सरकार की सहयोग से ही यहीं पर बच्चे एक करंट पॉइंट हो गया, एक समुद्री म्यूजियम बनाया जाएगा जो पानी के नीचे होगा, हमने बताया समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है जिसका नाम गोवा है बेटा, ठीक है, और गोवा का जो न्यायिक अधिकार क्षेत्र होता है वो बच्चे बंबई उच्च न्यायालय में आता है, न्यायिक अधिकार क्षेत्र बंबई उच्च न्यायालय में आता है सर। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया 1510 में किया, उस समय पुर्तगाली का वायसराय कौन था, तो आप बोलोगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसका कार्यकाल 1509 से लेकर 1515 तक चला बेटा, ठीक है। दूसरा मैंने कहा सब बच्चे अल्फांसो ने जब 1510 में पुर्तगालियों ने बच्चे जब गोवा पर अधिकार किया तो उस समय कौन सा सुल्तान यहां शासन कर रहा था, तो उसका भी नाम मैंने बता दिया, उसका नाम आदिल शाह था, कहीं कहीं आदिल शाही भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे, ठीक है। एक और चीज सर, 1560 के करीब, 1560 ये देख लीजिएगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, 1560 में ही यहीं पर पुर्तगालियों ने बेटा, यहीं पर पुर्तगाली ने एक धर्म न्यायालय की भी स्थापना करवाई थी, पुर्तगालियों ने बच्चे यहां पर एक कौन सी न्यायालय धर्म न्यायालय की स्थापना करवाई थी गोवा में बेटा, और गोवा को अपनी राजधानी इन्होंने बना लिया था, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे, धर्म न्यायालय पुर्तगालियों ने बनाया था 1560 में, और आपको पता है ये सारे के सारे कौन से धर्म के लोग थे बेटा, ईसाई धर्म के लोग थे, क्लियर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बताया। 1556 ईस्वी के ही करीब बेटा, 1556 ईस्वी के करीब ही पुर्तगालियों ने गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की भी स्थापना की थी बेटा, प्रिंटिंग प्रेस, जो आप लोग शादीवादी का कार्ड नहीं देखते तो छप कर आ जाता है, तो बच्चे भारत देश में प्रिंटिंग प्रेस को स्थापित करने का श्रेय किसको, पुर्तगालियों को बेटा। अल्फांसो आम का नाम सुना होगा बच्चे, ठीक है, अल्फांसो नाम इसी के नाम से पड़ा था, इसी ने महाराष्ट्र में सबसे पहली बार आम के बगीचे लगवाए थे बच्चे, किसके बगीचे, आम के बगीचे लगवाए थे, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखोगे सर, ठीक।
चलिए गोवा के बारे में हमने 6-7 जो करंट पॉइंट्स भी था बता दिया। पहला समुद्री बच्चे जो पानी के समुद्री म्यूजियम बनाया जाएगा पुर्तगाली के सहयोग से गोवा के निकट बनाया जाएगा। गोवा की राजधानी पणजी है, पणजी में ही समुद्री विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। बच्चे गोवा पर अधिपाक बच्चे अधिकार किया गया था अंग्रेजों पुर्तगालियों द्वारा 1510 में। किससे जीता था? आदिल शाह ने। किसने जीता था? अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क का कार्यकाल बेटा 1509 से लेकर 1515 तक था। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये तो गोवा के बारे में था सर। किसके बारे में था? ये गोवा के बारे में था। अब अगला पॉइंट होगा दादर व नागर हवेली बच्चे, इसी में यहां 1954 होगा बच्चे, गोवा के बारे में 61 होगा, अभी बता देता हूं। अब यहां पर क्या हुआ सर, आजादी के बाद यहां के लोगों ने विरोध किया या विद्रोह किया बच्चे का। जब विद्रोह किया बच्चे तो मामला यूएनओ पहुंचा, यूनाइटेड नेशन बच्चे संयुक्त राष्ट्र में ये मैटर गया, और बच्चे मैटर जब गया तो इन्होंने भारत का पक्ष लिया और पुर्तगालियों को यहां से हटा दिया। यूएनओ ने लिख देना बच्चे भारत का पक्ष लिया, पुर्तगालियों को यहां से हटा दिया गया। यहां से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया बच्चे। ठीक है, और अगर हटाया गया बच्चे तो आपको पता है हटाने के बाद बच्चे एक 10वां संविधान संशोधन, यहीं पर एक नोट पॉइंट लिख देना, 10वां संविधान संशोधन किया गया 1961 में, और इसे भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया बच्चे। इसे भारत में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। दसवां संविधान संशोधन दादरा व नागर हवेली को बच्चे, हालांकि मैटर 54 से ही चल रहा था, विरोध किया, मामला यूएनए तक पहुंचा, यूएनए ने पुर्तगालियों से कहा भाई यहां से हट जाइए, ये पूर्णतया भारत का अधिकार क्षेत्र है बेटा। ठीक है, यहां पर दसवां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चे हम दमन व दीव की बात करें, अगर हम दमन व दीव की बात करें बच्चे तो दमन व दीव बच्चे यहां से पुर्तगालियों को भगाया गया, और यहीं पर बच्चे गोवा पुर्तगालियों को भगाया गया बच्चे। बारहवां संविधान संशोधन भारत में शामिल। गोवा के बारे में केंद्र शासित राज्य बना 1987 में, राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया बेटा। राज्य का दर्जा दिया गया, नोट करिए सारे बच्चे जल्दी से।
ठीक बच्चों, तो हमारा पुंडुचेरी बच्चे भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आपने बताया कि भारत देश के 3 राज्यों में फैला है बच्चे, ठीक है। और इसको आपको मैंने बता दिया बच्चे, इस पर फ्रांसीसियों की ये बस्ती हुआ करती थी बच्चे, और फ्रांसीसियों से 1954 में इसे खाली कराया गया और भारत में इसे बेटा शामिल किया गया था। आपको पता होगा 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट यही पर पढ़ेंगे बच्चे, एक का नाम है सिक्किम, क्लियर हो जाएगा। कोई बच्चा बताएगा कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है बच्चे, सिक्किम की कैपिटल क्या है, ठीक है। सिक्किम की कैपिटल सारे बच्चे बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताइए बच्चे, सिक्किम की कैपिटल बताइएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चे, सिक्किम जो था यहाँ पर एक वंश कार्य करता था बच्चे, जिसे हम राजवंश कहेंगे। कौन सा वंश कार्य करता था बेटा? तो आप बोलोगे राजवंश काम करता था यहाँ पर बच्चे, और इस राजवंश का नाम चेंदियाल था बच्चे, चेंदियाल, ठीक है बेटा। कौन सा वंश चल रहा था? तो चेंदियाल वंश चल रहा था यहाँ पर। आप बोलोगे कहाँ पर चल रहा था सर? सिक्किम में चल रहा था बच्चे चेंदियाल वंश का शासन, ठीक है बच्चे। लेकिन बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो सिक्किम की जनता थी, सिक्किम की जो जनता थी ये किसके पक्ष में थी? भारत के पक्ष में थी। यानी कि सिक्किम की जनता ये चाहती थी कि बच्चे सिक्किम को भारत के अधीन कर दिया जाए और यहाँ पर बच्चे प्रतिनिधियों का प्रावधान किया जाए, यानी कि राजवंश यहाँ से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ की जनता ने बच्चे एक वोटिंग किया और कहा कि सर हम भारत के पक्ष में है बेटा, ठीक है। जब भारत के पक्ष में हुई तो इसी जनता ने, जो सिक्किम की जनता थी बच्चे, इस जनता ने मांग किया और इनकी मांग पर बेटा एक मंत्रिपरिषद गठन कर दिया गया। मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया गया, मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया गया बच्चे। कहां कर दिया गया? तो आप बोलोगे सर सिक्किम में कर दिया गया। अब इस मंत्रिपरिषद ने कहा किससे बेटा? भारत सरकार से, कि सर कहा संसद में, कहा संसद में हमारे प्रतिनिधि, संसद में हमारे प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए, क्लियर हो जाएगा। हमारे प्रतिनिधियों को संसद में क्या करिए? शामिल करिए बच्चे, क्लियर हो जाएगा। संसद में क्या करिए? शामिल करिए। तो संसद में शामिल होने के लिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, संसद में इनके प्रतिनिधियों को, यानी कि सिक्किम की जनता भारत के पक्ष में थी और जनता ने मांग किया, तो एक मंत्रिपरिषद का गठन हो गया। इस मंत्रिपरिषद ने भारतीय सरकार से कहा कि सर पार्लियामेंट में हमारे भी प्रतिनिधि पहुंचने चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, अब इन प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए बच्चे हमने ध्यान से देखिएगा एक संशोधन किया, 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? तो आप बोलोगे 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1974 में हुआ। कब हुआ बेटा? 1974 में हमने एक नया अनुच्छेद बनाया, अनुच्छेद 2A, और हमने सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया। और बच्चे सहयोगी राज्य का दर्जा देके इनके प्रतिनिधियों को हमने कहां पर? संसद में बच्चे अनुमति दे दिया। कहां के प्रतिनिधियों को? तो आप बोलोगे सर सिक्किम के प्रतिनिधियों को, क्लियर हो जाएगा। यानी कि हमने बच्चे एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया था, इसे एसोसिएट स्टेट भी बोला जाता है, एसोसिएट स्टेट, ठीक है। सारे बच्चे फिर से ध्यान से देखो एक बार, सिक्किम है, सिक्किम में राजवंश चलता था, चेंदियाल वंश का शासन था, वहां की जनता ने मांग किया कि हम भारत के लोकतंत्र में शामिल या भारत की पार्लियामेंट्री में शामिल होना चाहते हैं। तो वहां की जनता की मांग पर एक बच्चे मंत्रिपरिषद का गठन हो गया और मंत्रिपरिषद ने कहा भारत सरकार के कि संसद में सर हमारे प्रतिनिधियों को शामिल करिए। तो हमारी सरकार ने बच्चे क्या किया? 35वां संविधान संशोधन किया। कौन से सन में? 1974 में किया। और बच्चे एक नया आर्टिकल शामिल कर दिया, अनुच्छेद 2A।
के तहत सिक्किम को एसोसिएट राज्य का क्या मिल गया, दर्जा मिल गया बच्चे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 35वां संविधान संशोधन भी याद रखना पड़ेगा और 36वां संविधान संशोधन भी आपको याद रहेगा। अगर मैं पूछूं आर्टिकल बच्चे 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को कौन सा राज्य का दर्जा दिया गया, तो आप क्या बोलोगे, एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया और कौन से अनुच्छेद में, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 2 का A पॉइंट में। ठीक है बच्चे, नोट कर लो इसे। ठीक है, फिर बच्चे इसके लिए एक और संशोधन हुआ जिसको 36वां संविधान संशोधन कहते हैं। कौन सा संशोधन हुआ, 36वें संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन, ये हुआ सर 1975 में और इसे हमने राज्य का दर्जा प्रदान किया। किसका दर्जा प्रदान कर दिया, राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। तो आप कह सकते हो बच्चे यहां पर नोट में अनुच्छेद 2A को क्षमा, यानी कि जो हमने इसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया था, सहयोगी राज्य का दर्जा दिया, इसे हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया बेटा। कौन सा संविधान संशोधन करके, तो आप बोलोगे 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ठीक है, नोट करो जल्दी से बच्चे इसे और बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो सिक्किम को पहले बच्चे भारत सरकार ने कौन सा राज्य का दर्जा दिया था, तो सहयोगी राज्य का दर्जा दिया और बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सहयोगी राज्य के लिए अनुच्छेद 2A शामिल हुआ था जिसे हमने 1975 में बेटा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और इसे हमने पूर्ण राज्य का क्या दे दिया बच्चे, दर्जा दिया। अगर पूछूं कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो आप सिक्किम सॉरी उत्तर प्रदेश लगाओगे। अगर जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य पूछूंगा तो आप सिक्किम लगाओगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछूंगा तो आप क्या लगाओगे, राजस्थान लगाओगे। और अगर मैं क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य पूछूंगा तो आप वहां पर बेटा क्या लगाओगे, गोवा लगाओगे। और गोवा पर अधिपक्त किसका था, पुर्तगालियों का, लेकिन पुंडुचेरी पर अधिपक्त किसका था, तो आप बोलोगे फ्रांसीसियों का था। गोवा को बच्चे 1987 में हमने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, इससे पहले यह केंद्र शासित राज्य था और केंद्र शासित राज्य हमने गोवा को बनाया था 1962 में। कब बनाया था, 1962 में। ठीक है बच्चे, ये आपके कुछ ऐसे थे बच्चे क्षेत्र जिनको हमने बच्चे क्या किया, विक्ट्री किया, जीता और शामिल कर दिया। अब हमारे यहाँ बहुत सारी रियासतें थी बेटा, क्या थी, रियासतें थी। रियासत का मतलब समझते हो ना बच्चे, प्रिंसिपलिटी। ठीक है, रियासतें थी और अगर ऐसे देखा जाए तो रियासत छोटी बड़ी मिलाकर करीब 562 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी बच्चे, 562 रियासतें थी। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चे, हमने कहा था कि 3 जून 1947 एक योजना आई थी, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना याद आया। और इसके तहत बच्चे भारत का विभाजन हुआ था और एक बना भारत और एक बना था क्या, पाकिस्तान। यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा कहां की गई, तो आप बोलोगे सर माउंटबेटन योजना में की गई। भारत भी स्वतंत्र हो गया और बच्चे पाकिस्तान भी स्वतंत्र हो गया विधिवत तरीके से। ये 14 अगस्त को अलग हुआ बच्चे और ये कितने अगस्त को, 15 अगस्त को अलग हो गया। ठीक है, और इसी माउंटबेटन योजना में एक तीसरा पॉइंट ये कहा गया था बच्चे कि रियासतें भी क्या होंगी, स्वतंत्र होंगी। रियासतें भी क्या होगी, सारी की सारी स्वतंत्र होंगी। लेकिन बच्चे रियासत से स्वतंत्र ना हो इसके लिए बच्चे नाम सुना होगा सरदार पटेल। क्या नाम सुना था, सरदार
वल्लभ भाई पटेल बेटा, ठीक है। और आपको पता है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, और सरदार की इनकी उपाधि बच्चे वारदौली की महिलाओं ने संबोधन में दिया था, लेकिन प्रदान किया था महात्मा गांधी ने। ध्यान से सुनना बच्चे, सरदार पटेल भारत देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, क्लियर बेटा। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है अपनी नीतियों के कारण, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार इनकी उपाधि थी, और ये उपाधि का संबोधन किया था वारदौली की महिलाओं ने, और दूसरा बच्चे इन्हें प्रदान किया था सरदार की उपाधि जिसका नाम महात्मा गांधी था, क्लियर हो जाएगा। और बच्चे सरदार पटेल ये चाहते थे कि जो ये माउंटबेटन ने कहा कि रियासतें क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो आप एक चीज बताओ यार, अगर 562 रियासतें एक दूसरे से क्या होती, स्वतंत्र हो जाती, तो आप बताओ यार कितने राज्य बनते, राज्यों की संख्या रहती। बेटा हर राज्य कहता, हर बच्चे रियासत कहती, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने तरीके से काम, यानी पटेल जी ये चाहते थे कि सारी रियासतें भारत में क्या हो जाए, शामिल हो जाए, सारी रियासतें क्या हो जाए बच्चे, भारत में शामिल हो जाए। यानी पटेल ने बच्चे चाहते थे, लिख दे रहा हूं यहां पर, चाहते थे सभी रियासतें भारत में शामिल हो, सभी रियासतें भारत में शामिल हो बच्चे, ठीक है। यह कहा गया था किसके द्वारा, पटेल के द्वारा, लेकिन स्वतंत्र बच्चे रियासतें होंगी ऐसा कहा था माउंटबेटन योजना द्वारा। माउंटबेटन योजना के तहत बच्चे भारत देश का विभाजन हुआ था, एक भारत बना और एक पाकिस्तान, विधिवत तरीके से पाकिस्तान 14 अगस्त को ही बच्चे अलग हो गया और भारत 15 अगस्त को, ठीक है। अब इसी में हम आगे बढ़ते बच्चे, तीन ऐसी रियासतें थी बच्चे जो भारत में शामिल नहीं हुई, तीन ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हुई बच्चे। एक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, एक का नाम था बच्चे आपका हैदराबाद, और एक का नाम था बच्चे जूनागढ़, ठीक है। ये तीन ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं हुई, ये अपने आप को क्या कर ली, स्वतंत्र कर ली बच्चे, शामिल नहीं हुई, ये अपने आप को क्या कर ली, स्वतंत्र कर ली बच्चे, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं सर, एक चीज चलते हैं बच्चे, इसमें पहला देखा जाए तो हम अगर बात करें बच्चे किसकी, अगर हम बात करें जूनागढ़ की, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है पहले समझा लिया जाए। अगर हम जूनागढ़ की बात करें, कोई बच्चा हमको बताएगा कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था, कोई बच्चा बताएगा पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री का क्या नाम था, अगर किसी बच्चे को पता हो तो कमेंट्स करो। पाकिस्तान की पहली महिला, जूनागढ़ में बेटा जनमत संग्रह कराया गया था, और यहां के लोगों से पूछा गया कि आप लोग कहां शामिल होना चाहते हो, भारत में आने चाहते हो या पाकिस्तान में, तो 90% जनसंख्या जो यहां की थी बच्चे भारत के पक्ष में, किसके पक्ष में आ गई बेटा, भारत के पक्ष में आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा नाम होगा हैदराबाद, ठीक है बच्चे, हैदराबाद बच्चे अब तो तेलंगाना में हो गया, पहले आंध्र प्रदेश में था बच्चे। यहां पर क्या है, निजाम की सेना, जो हैदराबाद का निजाम था बच्चे, निजाम की जो एक सेना थी बच्चे, निजाम की सेना और लोगों में क्या हुआ बच्चे, कह सकते हो निजाम की सेना ने, इसको ऐसे लिख लो, निजाम की सेना ने लोगों का शोषण करना प्रारंभ किया या शोषण किया बच्चे, बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों को क्या किया, परेशान किया बच्चे। तो जब परेशान किया बेटा, तो यहाँ पर बच्चे आपको पता है सर, एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो, और यूएनओ ने भी इंटरफेयर किया था,
फटकार लगाई थी हैदराबाद निजाम को बच्चे, है ना, यूएनओ ने भी क्या लगाई थी, फटकार लगाई थी बच्चे। और आपको पता है फटकार लगाने के बाद यूरोप बच्चे ऑपरेशन पोलो के तहत इसको छीना गया था, हैदराबाद निजाम से हैदराबाद रियासत को छीन लिया गया था बच्चे, कौन से पोलो के तहत, तो आप बोलोगे ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है, नोट कर लो इसे जल्दी से, ऑपरेशन पोलो के तहत। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये आपका जूनागढ़ हो गया, जन्म संग्रह कराकर शामिल हुआ बेटा हैदराबाद बच्चे, निजाम सेना ने लोगों का जब शोषण शुरू किया और ये अपने आप को स्वतंत्र करना चाहते थे, पटेल जी बच्चे स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे, तो ये बच्चे यूनियनों ने फिर फटकार लगाई, भाई आप वहां लोगों का शोषण क्यों कर रहे हो। हालांकि बच्चे जब नहीं माना हैदराबाद निजाम तो भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो के तहत इस रियासत को छीन लिया बच्चे, और भारत में इसका क्या कर लिया, विलय कर लिया। ठीक है, अब एक बचता है जम्मू कश्मीर बच्चे। अब जम्मू कश्मीर आपको भी पता है कि आज भी बहुत स्थिति खराब थी बच्चे, लेकिन अब जाके वहां पर थोड़ी सी स्थिति क्या हुई बच्चे, अच्छी हुई। अब अगर हम जे एंड के की बात करें सर, तो 1947 में ही बच्चे जब भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया बच्चे, तो पाकिस्तान की जो कबायली सेना थी बच्चे, जो कबायली सेना थी, इसने बच्चे क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और एक कश्मीर का पार्ट ले लिया जिसे हम पीओके कहते हैं। पाक अधिग्रहित क्षेत्र यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं बच्चे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं बच्चे। ठीक है, और कश्मीर के लिए एक बिला पत्र था, ये कश्मीर का संविधान था बच्चे। अब समाप्त, ठीक है, और पीओके पर बच्चे ध्यान से देखिएगा, पंडित नेहरू इनकी उदारवादी नीति थी, और मैंने आपको समझाया है बच्चे कि भारत डिफेंसिव नीति को अपनाता है, उदारवादी दिखाता है बच्चे, तो पंडित नेहरू से इतनी गलती हो गई, ये सारा मैटर उठाकर वो क्या कर गए बच्चे, यूएनओ लेकर चले गए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर चले गए, और वहीं पर सर संयुक्त राष्ट्र संघ ने दोनों सेनाएं जो आमने सामने थी वहीं पर रोक दिया। तो आपको भी पता है सर कि ये जो भारत वाला ये वाला पार्ट है सर, ये वाला जो पार्ट है ये पीओके बन गया, और यहीं पर सर एक एलओसी खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल, क्या खींच दी गई, एलओसी खींच दी गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। हालांकि ये सारी गलती बच्चे नेहरू जी की ही थी, अगर नेहरू जी चाहते बच्चे तो सेना को लगाकर पाकिस्तान को यहां से पीछे भगा सकते थे, लेकिन वो बच्चे डिफेंसिव नीति कर गए और उदारवादी नीति के वो पालक थे बच्चे, और ये मैटर चला गया यूएनए, और वहीं से आज ये मैटर फंसा हुआ है बच्चे। और करीब 2000 करोड़ से ज्यादा बच्चे, यहीं पर एक जगह सियाचिन ग्लेशियर है, वहां का खर्चा हर साल आता है। ठीक है बेटा, तो ये बच्चे तीन ऐसी रियासतें थी जो भारत देश में शामिल नहीं होना चाहती थी। ऑपरेशन पोलो हमने चलाया बच्चे हैदराबाद को के लिए, और बच्चे हमने जन्म संग्रह कराया जूनागढ़ के लिए, बेटा हमारा एक क्षेत्र फंस गया जिसका नाम था बच्चे जम्मू एंड कश्मीर, एक बिला पत्र 1947 में बना, और ये कश्मीर का संविधान था, दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, झंडे अलग थे बच्चे, हमारे लोग यहां से जाके बस नहीं सकते थे, अब इन सब का अधिकार दे दिया गया। हालांकि पीओके अभी भी पाकिस्तान के क्षेत्र में है। ठीक है बेटा, दूसरी चीज बच्चे, हमारी जो सरकार थी पंडित नेहरू की जो उदारवादी नीति थी, आज भी मैंने आपको बताया था कि जो भारत की डिफेंसिव नीति है बच्चे, ये कहीं ना कहीं नुकसानदेह सिद्ध हो जाती है कभी कभी। ठीक है बेटा, जैसे भी काला पानी विवाद को लेकर देख लो बच्चे,
लद्दाख में चीन लगातार परेशान कर रहा है, गोलियां चला रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं बच्चे ना बोलने का एक रिजल्ट है, ये भी है भाई। आक्रामक नीति भी कभी कभी बच्चे हमारे लिए क्या कह सकते हो, अच्छी नीति साबित हो सकती है, लेकिन भारत हरदम बच्चे पड़ोसी देशों के लिए डिफेंसिव नीति अपनाने रहा, और यही एक कारण है कि बच्चे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी रियासतें थी बच्चे, हमने तीन रियासतों के बारे में भी आपको बता दिया, और फिर अब सर हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा अनुच्छेद दो। ये अनुच्छेद एक के तीन पॉइंट्स थे बेटा, अनुच्छेद एक के कितने पॉइंट्स थे, तीन पॉइंट्स में ये सारे कंप्लीट पॉइंट थे। हमने बता दिया सिक्किम कैसे लिया, पुर्तगालियों से दमन व दीव कैसे लिया, दादरा व नागर हवेली कैसे लिया, कब इसको हमने राज्य का दर्जा दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया बच्चे। ठीक है, अगला आर्टिकल जो होगा वो होगा अनुच्छेद दो। कौन सा आर्टिकल होगा, अनुच्छेद दो होगा बच्चे, और आर्टिकल जो सेकेंड है वो कहता है बच्चे नए क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद दो है बच्चे, ये कहता है नए क्षेत्रों का प्रवेश। बच्चे क्या कहता है आर्टिकल टू, क्या कहता है बच्चे नए क्षेत्रों का प्रवेश, बच्चे एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी। एडमिशन ऑफ न्यू टेरिटरी, ठीक है बच्चे। और आपको पता है सर कि नए प्रवेश संसदीय प्रणाली या संसद द्वारा, संसद द्वारा, ठीक है बेटा। आज इतना ही रखेंगे सर, थोड़ा सा अभी दिक्कत है, तो एक दो दिन में फिर बच्चे एक आध घंटे की क्लास कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चे, कल की वीडियो में हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो आर्टिकल फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड और फोर्थ, तो हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र वाला भी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे बाय बाय, टेक केयर। आज बच्चे ज्योग्राफी की क्लास भी आपकी चलेगी, और टाइम हो सकता है चेंज कर दे बच्चे, 7 PM पर कर सकते हैं, और नाइट में बेटा आपकी क्या कहते हैं करंट की भी क्लास चलेगी 9 PM पे। टाइमिंग याद रखो 9 PM पे, और बच्चे 10 बजे के करीब साइंस की भी क्लास चलेगी, वो भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए सारे बच्चे अच्छे होंगे उम्मीद है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर बेटा, चलो बाय।